bank is deeply depleted. Prepare the app to change my name. Running with King Kong, will it swing down like a thunder? Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. Keeping the trenches for ya, like a soldier. Where is your next destination? हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम हैं जम्मू में, अभी हम जम्मू से जा रहे हैं वाराणसी। ये ट्रेन है मेरा जो कि काफ़ी लेट है, और इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का मेरा टिकट हुआ है जो कि फ्री, पूरा फ्री। हम लिए थे सेकंड एसी में तत्काल, वो मेरा अपग्रेड होके हो गया फर्स्ट एसी, तो इस हिसाब से मेरा फर्स्ट एसी में टिकट फ्री। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट एसी में क्या क्या होता है, और खाना मिलता है फ्री में या नहीं मिलता है। ऐसे तो फ्री में नहीं मिलता है, राजधानी में खाना लिमिटेड होता है फ्री, इसमें पे करना पड़ता है। तो चलो एक बार फर्स्ट एसी को एक्सप्लोर करते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए एक बार फर्स्ट एसी को करते हैं एक्सप्लोर। और ट्रेलर कैसा लगा वो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें। इसमें कूप और केबिन दोनों होता है, मेरा केबिन है जी, यही हुआ। तो ये है फर्स्ट एसी केबिन। कूप में दो लोग होते हैं, केबिन में चार लोग होते हैं। इसमें क्या क्या दिया एक्स्ट्रा, ये बिल दिया है अटेंडेंट को बुलाने के लिए। सीट भी बहुत काफ़ी चौड़ा चौड़ा है, कंबल है, तकिया है, सामान भी रखने का है, और यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर भी है यहाँ पे, सीढ़ी, आराम से चढ़िए ऊपर जाइए। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, और आपका मन करे तो आप इसको मोड़ भी सकते हैं, और अगर आपको सोना हो तो ये नीचे गिरता है। ये लॉबी है, और तो कंट्रोल रूम हो गया, ये इसकी बाथरूम, और ये साफ सफाई चल रही है। तो ये है इसका कूप, इसमें सिर्फ दो लोग हैं, दो लोग की कूप है ये। इसमें यही सब कुछ सेम है, बस दो सीट है। यहाँ पे आप सामान भी रख सकते हैं, और ये है कपड़े टांगने के लिए, दिख रहा होगा आपको। तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर रूम हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाथरूम वैकेंट है या फिर ऑक्यूपाइड है, या लाइट जलती है, अभी जैसे देखो सारा वैकेंट है। और इसको भी आप प्रॉपर लॉक कर सकते हैं अंदर से, ये भी एक रूम टाइप का हो जाएगा। और रहा बात खाने का, तो राजधानी में अनलिमिटेड खाना होता है, इसमें पैसे देने पड़ते हैं। इसमें भी सारा कुछ होता है लेकिन पैसे देने पड़ते हैं, राजधानी में सारा फ्री होता है, वो भी अनलिमिटेड, जो मन है वो खा सकते हैं। तो ऐसा अफवाह है कि फर्स्ट एसी में खाना फ्री होता है, वो नहीं होता है, सारी ट्रेन में नहीं होता, बस राजधानी में। सोने का मन करे तो आप इसको नीचे कर सकते हैं, यहाँ स्लीपर उठाइए, और काफ़ी भारी है, तो ये सीट देखो कितनी चौड़ी हो गई है, ये इतना चौड़ा है कि इसमें डबल आदमी सो सकता है नॉर्मल सीट के बराबर, काफ़ी चौड़ा है सीट। लाइट लगी है, और यहाँ पे पर्सनल लाइट भी है, लैम्प उधर भी है। ये सेंसर वाली लाइट है, बस इसको ओपन करो ये जल जाएगी, बंद करो ये बंद, ओ ये तो ऑन ही रहता है, ये देखो, अच्छा नहीं नहीं बंद होता है, सेंसर है, सेंसर है, काम करता है, इंटरनल में काम किया है। और ये है इसका वॉशरूम, उसमें बहुत छोटा होता है, ये काफ़ी बड़ा है। ये पूरी एसी कोच फर्स्ट एसी की, और इसमें नहाने के लिए झरना भी दिया हुआ है, इसे आप नहा सकते हैं एक टाइप का, ये बाथरूम है। इसका विंडो का साइज सेम रहता है एक तरह, बाहर से तो सेम ही लगता है। मस्त, तो कोई सीढ़ी लगा है ऊपर चढ़ने के लिए,
और सीट भी काफ़ी चौड़ा चौड़ा है। पानी नहीं है उसमें भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट एसी में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, हम पहली बार फर्स्ट एसी में आ रहे हैं और ये तो मेरे लिए बिल्कुल फ्री हुआ। मैंने सेकंड एसी में टिकट लिया था वो भी तत्काल, वो अपग्रेड होके फर्स्ट एसी हो गया। अभी मुझे मैसेज आया था, वो पिछले ब्लॉग में आपने देखा है कि मुझे मैसेज आया था सुबह सुबह, तो चलते हैं इसका मज़ा लेते हैं। ये पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं इसका साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन ये देखो 1, 2, 3, 4 और वो उसमें नापोगे तो 1, 2 या 3 तक आता है सेकेंड एसी, और सेकेंड एसी नहीं थर्ड एसी में। तो ये है पूरा कोच। ये अंकल भी है हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? ये अंकल गोरखपुर जा रहे हैं। ये मेरे साथ वहाँ पीजी में भी थे अभी दोपट्टे में। और इसमें अलग से डस्टबिन और टेबल भी मिलता है जो कि अंदर में है, अगर आपको कुछ काम है तो आप टेबल निकाल के काम कर सकते हैं। देखो तो वहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है और ये अलग अलग ये मिला हुआ है डस्टबिन। अरे पता नहीं हमारे कंपार्टमेंट में क्या रखा हुआ है, तो हम लोग बुलाते हैं अटेंडेंट को और पूछते हैं क्या है। छूना खतरे से खाली नहीं, ब्लैक प्लास्टिक निकाल रहे क्या है पता नहीं। और ये वाटर मिलन निकला है लगता ही है, वाटर मिलन ही है। ठीक है भाई ले जाओ, पार्टी आज की पार्टी हम लोग की तरफ से। और अगर आपको ट्रेन रोकने का मन कर रहा तो आप ये जंजीर भी खींच सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है। वैसे तो फर्स्ट एसी का फेयर फ्लैट जितना होता है तो उस तरह का कंफर्टेबल यहाँ पे मिलता है कि नहीं, यहाँ तो और सो के जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल। तो चेक करते हैं पेट्रोल में इसमें क्या क्या होता है। इधर सुनो, इधर सुनो, तकिया भी काफ़ी बड़ा है इसमें। एक बेड सीट, एक टॉल हमारे ओढ़ने के लिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पिलो कवर है, ये टॉल है, ये दो बेड सीट, एक बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। ये है फर्स्ट एसी का बेडरूम। तो मेरा बेड रेडी हो चुका है सोने के लिए, देखो काफ़ी चौड़ा भी दिख रहा है बेड लगाने के बाद। और ये वीडियो हम डालने वाले नहीं थे, ये वीडियो एक कंटेंट हमको मिला है एकदम रेलवे की तरफ से, क्योंकि सेकंड एसी टिकट काटने कभी अपग्रेड फर्स्ट एसी में होता नहीं है। मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, तो रेलवे काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो वीडियो को करते हैं अपन, ट्रेन हमारा खुल चुका है और टाइम हो रहा है 7:30, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वाराणसी पहुँचने में। इस ट्रेन में एक चीज़ और पता चला है, टीटी भी नॉक करके आता है, मैं कमिन और नॉट, ये पहले बार पता चला, टीटी को भी पूछ के आना पड़ता है इसमें। ट्रेन हमारा खुल चुका है, सारा ट्रेन लेट चल रहा है क्योंकि उधर फॉरवर्ड का स्ट्राइक चल रहा है, तो सारा रूट डाइवर्ट हुआ है तो ट्रेन लेट है।